हेलो स्टूडेंट लास्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया टुडे वी कंटिन्यू दिस टॉपिक टुडे टॉपिक इज़ बिगनिंग ऑफ न्यू फॉरेन पॉलिसी यानी कि भारत में जो नई विदेश नीति किस तरीके से उसकी शुरुआत हुई है उससे रिलेटेड आज हम पढ़ेंगे दे आर मेन पॉइंट ऑफ एसोसिएट विद मोदी गवर्नमेंट फॉरेन पॉलिसी आर ट्रेड कल्चर एंड कॉन्टैक्ट जो मोदी सरकार मोदी शासन में तीन अहम बिंदु जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसमें इंक्लूड किए गए हैं ट्रेड यानी कि व्यापार कल्चर यानी कि संस्कृति और कांटेक्ट यानी कि संपर्क डिमोनाइजेशन वर्ल्ड बी हेल्पफुल ऑफ टू डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी बिकॉज इट इज़ ए न्यू इंटेंटिव ऑफ इम्प्रूव द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इंडिया यानी कि जो हम देखते हैं कि डिमोलाइजेशन यानी कि जो आर्थिक मंदी हमें देखने को मिली है उसमें जो भारत की विदेश नीति एक दिशा तय करने में मददगार साबित हुई है कि किस तरीके से जो भारत है भारत में जो इकोनॉमिक सिस्टम है यानी कि भारत की जो अर्थव्यव आर्थिक जो प्रणाली है वो किस तरीके से भारत में कार्य करती है फाइव बेसिक प्रिंसिपल जो भारत की जो विदेश नीति है फॉरेन पॉलिसीज़ है उसमें पांच मूल सिद्धांतों को इसमें इंक्लूड किया गया है इंकरेजमेंट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉपर्टीज़ ग्रोथ इन इंडियन इंटरनेशनल प्रेस्टीज सपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल नेशनल सिक्योरिटी एंड इंक्रीजमेंट फॉर प्रजेंटेशन ऑफ इंडियन रिच कल्चर एंड सिविलाइजेशन फॉर इज ग्लोबल रिको रिकॉर्नाइजेशन एंड आर फाइव बेसिक प्रिंसिपल इन इंश्योर फॉरन पॉलिसी ऑफ आवर गवर्नमेंट जो आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए भारत की प्रशिश्ता और सम्मान में वृद्धि राष्ट्रीय सुरक्षा का समर्थन तथा भारतीय संस्कृति और सभ्यताओं की मान्यताओं को प्रोत्साहन ऐसे टोटल जो फाइव बेसिक प्रिंसिपल हैं उन्हें हमारी जो गवर्नमेंट है उसने हमारी उसने हमारी जो फ़ॉरेन पॉलिसी है उसमें इंक्लूड किया है फर्स्ट जो नेबरहुड इंटेंटिव पॉलिसी यानी कि पड़ोसी पहल की नीति आफ्टर बिकम पीएम नरेंद्र मोदी टू गिव ए न्यू डायरेक्शन ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी हैज़ अडोप्टेड द नेबर फर्स्ट पॉलिसी प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की विदेश नीति को नवीन दिशा प्रदान करने के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री है उन्होंने पड़ोसी पहल की नीति को अपनाया इट मीन्स नेबर फर्स्ट पॉलिसी यानी कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनको सबसे पहले प्राथमिकता देने की नीति हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री है उन्होंने स्टार्ट की ही स्टार्टेड ए न्यू चैप्टर ऑफ फॉरन पॉलिसी बाय विजिटिंग नेबरिंग कंट्रीज़ उन्होंने पड़ोसी देशों की यात्रा करके भारत की विदेश नीति में एक नए अध्याय की शुरुआत की बाय कॉलिंग द लीडर ऑफ द सार्क कंट्री इंक्लूड इंक्लूड मॉरिशस इन ऑर्थ टेकिंग सेरेमनी इंडिया हैज़ प्रजेंटेड ए यूनिक एग्ज़ाम्पल फॉर इस्टेब्लिश क्लोज रिलेशन विद द नेबरिंग कंट्री मॉरिशस के साथ साथ जो सभी जो सार्क के जो नेता थे नेता जितने भी थे उन्हें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया ताकि यह एग्जाम्पल यानी कि यह उदाहरण दिया जा सके कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं उससे हमारे संबंध किस तरीके के बन रहे हैं ए ट्रीटी ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट वाज साइन विथ नेपाल नेपाल के साथ हमने देखा कि जो हाइड्रो सिटी यानी कि पन बिजली जो परियोजना है उस पर हस्ताक्षर किए गए ए प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया एंड भूटान सिक्स सिक्स हंड्रेड एम वी के एम एम वी मेगावाट खो खोलू चगु हाइड्रो इलेक्ट्रोसिटी प्रोजेक्ट वाज साइन इसी के साथ साथ भारत और भूटान के बीच में मेगावाट खोलो मेगावाट पन बिजली योजना की आधारशिला भी रखी गई इन अफ्रीका ऑल इंडियन प्रोजेक्ट वर कंप्लीटेड इन टाइम एंड आफ्टर फोर ईयर कॉलम कोलंबो जाफना ट्रेन कॉन्टैक्ट वी ओपन विद द कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अफग़ानिस्तान में भी भारत की प्रमुख परियोजनाओं को निश्चित समय अवधि में पूरा किया गया और साथ ही साथ चौबीस साल बाद कोलंबो कौलं, जाफना रेल संपर्क को पुनः भारतीय सहयोग से खोला गया वैन मालदीव वाज अंडर हैवी क्राइसिस देन इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू सेंड वाटर थ्रू शिप एंड एरोप्लेन अंडर ऑपरेशन नीर जब मालदीप गंभीर संकट से घिरा था तब ऑपरेशन नीर के तहत भारत ने पानी के जहाज़ और हवाई जहाज के जरिए जल पहुंचाने वाला भारत पहला देश था आफ्टर अर्थक्वेक इंसिडेंट इन नेपाल इंडिया वाज फर्स्ट टू हेल्प विथ ईज रिसोर्सेज एंड इंक्यूमेंट नेपाल में भूकंप आने पर भी भारत अपने संसाधन और मशीनरी के साथ संकटग्रस्त मित्र के कष्ट का निवारण करने वाला पहला देश बना द पॉलिसी विच वॉज नोज अर्लियर इन लुक ईस्ट नाव इज नोन इज एक्ट ईस्ट इन मोदी रूल जब पहले जिस नीति को लुक ईस्ट के नाम से जाना जाता था उसे अब मोदी शासन काल में एक्ट ईस्ट के नाम का नाम दिया गया द प्राइम मिनिस्टर हैज़ ट्रवल टू जापान ऑस्ट्रेलिया सिंगापुर एंड चाइना वाइल फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज हैज़ ट्रवल टू सिंगापुर वियतनाम चाइना एंड इंडोनेशिया जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान ऑस्ट्रेलिया सिंगापुर व चीन की यात्रा की जबकि जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज जो उस समय की जो फॉरेन मिनिस्टर थी सुषमा स्वराज उन्होंने सिंगापुर वियतनाम चीन और इंडोनेशिया की यात्रा की इंडियन मिडिल ईस्ट पॉलिसी भारत की मध्य पूर्व की जो पॉलिसीज थी उससे रिलेटेड रिलीजियस एंड इस्लामिक ऑर्थोडॉक्सी वाज स्टार्टेड इन इंडिया थ्रू द इस्लामिक कंट्रीज़ ऑफ मिडिल ईस्ट एंड अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान जहाँ पर हम देखते हैं कि जो इस्लाम कट्टरवादी भी मध्य पूर्व के इस्लामी देशों अफग़ानिस्तान अफग़ानिस्तान के साथ साथ जो पाकिस्तान है उसमें भी हमने देखा के मध्य भारत भारत ने इन दोनों से अपने जो संबंध है उन्हें बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन द एज ऑफ टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन इन द मिडिल ईस्ट मैडवल इस्लामिक कॉन् इन द फैशन फैशन विच इंस मुस्लिम टू बी स्ट्रॉन्ग इन प्रपोज यानी कि वैश्विक कारणों से जो प्रौद्योगिक प्रदान यम में मध्य वर्ग की जो मध्यकालीन इस्लामिक अवधारणा का बोलबाला था जो मुसलमानों को शक्तिशाली व समृद्ध बनाने के लिए मध्यकालीन मॉडल पर चलने के लिए रखा गया द मिडिल ईस्ट कंट्री ऑफ मुस्लिम इन्फ्लुएंस वाइल द सुन्नी आइडियोलॉजी इन प्रिवलेंट द साउदी अरेबिया एंड इराक बट सिन्ना कॉन्सेप्ट इज डिमांडेड ऑफ ईरान मध्य पूर्व में मुसलमान प्रभावित क्षेत्रों में एक और सऊदी अरब और इराक आदि देशों में सुन्नी विचारधारा का वर्चस्व है वहीं ईरान में सिया विचारधारा का वर्चस्व हमें देखने को मिलता है ऑलमोस्ट ऑल द गल्फ कंट्री प्रोड्यूस मिनरल ऑयल एंड देयर इज़ वे देयर इकोनॉमिक टू स्ट्रॉन्ग ड्यू टू एक्सपोर्ट द क्रोड पेट्रोलियम खाड़ी देशों में लगभग सभी जो देश है वो तेल का उत्पादन करते हैं और इसी कारण उनकी अर्थव्यवस्था खनिज तेल के लिए मजबूत मानी जाती है